सीधे लिए चले, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आपको सुनवाते हैं। प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर, वो शब्द है फायरिंग, गोलीबारी, बॉम्बिंग, बमबारी, बोगस वोटिंग, रिगिंग, मत पेटियों का जलाना, मत पेटियों को फेंकना। कोई तालाब में फेंक रहा है मत पेटियों को, तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है। टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यत्न में लगी है। जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में फायरिंग, बॉम्बिंग, हत्या, रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उस लोकतंत्र का क्या वजूद है, आप जरा सोच के देखिए। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने लगभग 6000 पोलिंग बूथों पे रीपोलिंग का डिमांड किया था। इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है। आप सबने सुना था सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तागीद किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्थ होकर केंद्रीय बल के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराइए। सेंट्रल फोर्सेस तो गई, मगर डिप्लॉयमेंट जो सेंट्रल फोर्सेस के हुए, उनका ठीक तरह से डिप्लॉयमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया। जो सेंसिटिव बूथ होती है उनकी संख्या छुपाई गई, सेंसिटिव बूथ का डाटा दिया नहीं गया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं, यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और केवल राजनीतिक पार्टी ही स्पॉन्सर कर रही है, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थागत मर्डर है, अर्थात इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वह सब सम्मिलित हैं। एक तरह से सबके मिली भगत से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आप सोच के देखिए, 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष बैठा हुआ है। मैं भी सोशल मीडिया में हूं, आप भी सोशल मीडिया में, आजकल कुछ छुपता नहीं। जब हम सोशल मीडिया और फेसबुक में देखते हैं एक के ऊपर एक लद करके डेड बॉडियों को ट्रक से या बस से उतारा जा रहा है और स्ट्रेचर्स में डाला जा रहा है, किसी के हाथ मुड़े हुए हैं, किसी के पांव मुड़े हुए हैं, और ये किसी एक्सीडेंट का सीन नहीं है, ये कोई दुर्घटना का दृश्य नहीं, ये मर्डर है, ब्लेटेंट मर्डर। दिन दहाड़े हत्या की गई है केवल इसलिए क्योंकि आप टीएमसी को वोट नहीं कर रहे। और ये कोई केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर नहीं है, इसमें कांग्रेसी भी हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, इसमें बाकी पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल वोटिंग करने जा रहे हैं, ऐसे लोगों की हत्या हुई है। जब इस प्रकार का दृश्य सोशल मीडिया और फेसबुक में हम देखते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूं कि अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महाठगबंधन का दृश्य दिखाते हैं, कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महाठगबंधन के नेता? एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक शब्द नहीं निकला है। राहुल जी कहां है आपका? आपकी मोहब्बत की दुकान का कोई जिक्र नहीं है। आप तो पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। मैं बताता हूं राहुल जी, आप आज मोहब्बत की दुकान के विषय में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके आकांक्षाओं का मेगा मॉल खुला हुआ है, द मेगा मॉल ऑफ योर एम्बिशन। यू वॉन्ट टू बिकम द रूलर ऑफ दिस कंट्री बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे भी मैं सत्तासीन हो जाऊं, मैं सत्तारूढ़ हो जाऊं, और अगर हमारे लोग हत्या कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वहां मोहब्बत की दुकान की आवश्यकता नहीं है।
ये मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत के दुकान की फरमान ये केवल उन्हीं जगह आवश्यक है जहां मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार किया जा सकता है। कोई बात नहीं अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी टीएमसी के लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए और कांग्रेस के नेता खुद बंगाल में कहे कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उस पे भी राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी यह दर्शाता है कि इन लोगों का एम्बिशन कितना बड़ा है। यह लोग डेमोक्रेसी की हत्या होते हुए देख सकते हैं मगर अपने एम्बिशन की हत्या होते हुए, अपनी महत्वाकांक्षा को लुटते हुए नहीं देख सकते। मां माटी और मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, मां आज बिलख रही है, रो रही है, माटी आज रक्त रंजित है, मानुष की आज हत्या हो चुकी है। और ममता जी माफ करिएगा अगर मैं कहूं कि निर्मम बंदोपाध्याय जी ये सब मूक दर्शक बन के देख रही है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये निर्ममता है, ये ममता नहीं है, ये डायमंड हार्बर मॉडल है। डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी लड़ते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाईपुओ की, और जिस प्रकार से वहां दादागिरी की राजनीति चल रही है, वहां काउंटिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को छोड़ा तक नहीं जा रहा है, ये चारों ओर बंगाल में ये चल रहा है। काउंटिंग एजेंट अगर टीएमसी का नहीं है तो 2 किलोमीटर पहले उसे रोका जाता है, जिस दिन नॉमिनेशन भरने जाता है किसी और पार्टी का कार्यकर्ता पहले उसे मारा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर भी अगर नॉमिनेशन भर देता है तो उसके लोगों की हत्या की जाती है, फिर भी अगर इलेक्शन हो जाता है तो काउंटिंग डे के दिन काउंटिंग एजेंट को वहां घुसने नहीं दिया जाता है, रिगिंग करने की कोशिश होती है, बम फेंकने की कोशिश होती है, और उसके बाद भी अगर हो जाता है तो किस कदर वहां दंगा की जाती है कि आज हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी ट्वीट करके बताया है कि कई हजार लोग बंगाल छोड़ के आज शरण में हैं असम में। यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र है ममता दी। ममता जी आपको उत्तर देना होगा, क्या यह लोकतंत्र है कि एक राज्य के लोग चुनावी गणना के दिन राज्य छोड़कर के दूसरे राज्य में वो शरण लेते हैं? और यह पहली बार नहीं हो रहा है, असेंबली के चुनाव में भी ठीक इसी प्रकार हुआ था। बांग्लार गणतंत्र रक्त स्नात, एखाने वोट होले मानुषेर प्राण चले जाए, एखाने नियम कानूनेर कोनो बलाय नेई, मुख्यमंत्री निर्मम बंदोपाध्याय ও তার পরিষদদার সরকারি আইনকে ক্ষমতা টিকে থাকার মেশিনারি বানাইছেন, আমি এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করি। ভারতীয় জনতা পার্টি ইস পুরে ব্যবস্থা কি জিস প্রকার সে হিংসা হো রহি হে, জিস প্রকার সে লোকতন্ত্র কি হত্যা হো রহি হে, উসকি তীব্র নিন্দা করতি হে। ধন্যবাদ।